ये मोदी इन दिनों रामपथ से विकास पथ पर अटल है। प्रधानमंत्री का मन भले ही अयोध्या में हो, लेकिन देश भर में वो विकास का रोडमैप तैयार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आज मुंबई से आई, जहां उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया और विकास का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया। मैं आग्रह दोहराऊंगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। विकास पथ से राम पथ तक मोदी का अभियान निरंतर जारी है। इस दौरान वो राम मंदिर के साथ ही विकास का भी संदेश दे रहे हैं। और बता रहे हैं कैसे 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के कोने कोने में विकास की तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ा दी, जिसकी तस्वीर मुंबई से आई। यहां उन्होंने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया, लेकिन उससे पहले वो नासिक के कालाराम मंदिर से देश के करोड़ों राम भक्तों को संदेश देने पहुंचे। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी से की, जहां श्री राम 14 वर्षों के वनवास के दौरान कुटिया बना कर रहे थे। इसके बाद नासिक में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और फिर विकास यात्रा पर मुंबई निकल गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और अटल सेतु का उद्घाटन किया। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी, जो भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। 2 घंटे की दूरी अब 20 मिनट में तय हो सकेगी। इसे करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। महाराष्ट्र की यात्रा से पीएम मोदी ने 2 बड़े संदेश दिए। पहला संदेश ये कि बीजेपी सरकार आस्था का सम्मान करना जानती है, जिसकी तस्वीर अयोध्या में दिख रही है, और दूसरा संदेश ये कि बीजेपी विकास पथ पर भी आगे बढ़ रही है, जिसकी गवाही मुंबई का अटल ब्रिज दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जहां पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं, तो वहीं उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया और अपनी माता जी को याद किया। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी मां भी जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश में कहा कि आज माता जीजाबाई का जन्म जयंती है, मैं माता जीजाबाई को याद कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की भी याद आ रही है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था, आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी ने अपने ऑडियो संदेश में बताया कैसे उनके इस अनुष्ठान में वो अकेले नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आस्था और शक्ति भी उनके साथ है। जब वो रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो सब लोगों की प्रार्थनाएं साथ होंगी। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दिया है। अब सब देशवासियों को इंतजार है भव्य राम मंदिर के दिव्य रामलला के दरबार में प्राण प्रतिष्ठा का। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबर असरदार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, हम जुड़े रहिए है।